मतलब तब मैं चैतन्य कितने इंप्लाई है थोड़ा उसको चेक कराओ रेस्टी मुझे आप आपने तीन भेज दिए चौथा भेज जानी वो भी मैंने एसपी से तीन बार बात करनी पड़ी मैंने डीएसपी से बात करनी पड़ी नहीं नहीं उसमें आप रिजल्ट देना इनसे क्या भाईचारा है कोई भाईचारा क्या कर दिया आपने से या दोनों को हम बढ़ावा देंगे आज उनको बिठाएंगे बड़ी उनकी तरह अच्छी उनकी सेवा पानी करेंगे फिर उसकी बेल में उसकी मदद कर देंगे उसके तो हमले और लोग हो जाएंगे थोड़ा सा रिकॉर्ड मैंने मान लिया आपका रिकॉर्ड का उंगली भी उठा रहा हूं मैं कार्यशैली को उंगली उठा रहा हूं कार्यशैली जो पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शहर में मेरे हल्के में मेरे डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए प्रदेश की तो चलो प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं हमारे होम मिनिस्टर बैठे देख रहे हैं जिला और उससे पहले मेरा हल्का देखना मेरी जिम्मेवारी है तो इसमें एक तो जो आपके अधिकारी हैं एक ब्रीफिंग मीटिंग लो पहले थाने वाइज लो मैं सारे थाने को चेक करूंगा सारी चौकियों को चेक करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत शिकायतें हैं लोग इतने परेशान हैं आप तक तो आते ही नहीं विश्वास ही नहीं है लोगों का हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे प्रशासन पे अधिकारियों पे मेरे को फोन करेंगे वे एप्लीकेशन दे एप्लीकेशन देने की मतलब होती उनकी इतना भयभीत किया हुआ सर को अभी ये जो लोग आपने अरेस्ट करे हैं पिछले दो महीनों में मंडी में उनकी गुंडागर्दी करी एक दिन वहां नहर के पास रेहड़ियों पे वहां उनके चिकन मुर्गे अंडे खा के वहां इन्होंने नजाय जश्न निकाले गुप्ता कॉलोनी में आपके पास नहीं आई कमजोरी किसकी है या तो लोगों का विश्वास पुलिस पर नहीं है या पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है लोअर ग्रेड में इन्होंने आठ अपने केस में पिछले दो महीनों में आठ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है एज ए जनप्रतिनिधि तो एसएचओ या मेरे डीएसपी या मेरे एसपी के पास क्यों नहीं है मैं ये कारण आपसे पूछना चाहता हूं कि लोगों का या तो हमारे हमारे अधिकारियों पे विश्वास नहीं है कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कमजोर है हमारा पे विश्वास नहीं जनता का वो अब तक पहुंचना नहीं चाहते कि पता लगे कि एक को फंसे तो दूसरे को फंस जाएंगे जाके ऐसी भावना लोगों की हो रही है हमें एक विश्वास जनता के अंदर जगाना होगा अफसर साहब और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की प्राथमिकता है उसमें नशाखोरी का मामला हो उसमें चैन स्नैकिंग या चोरी के मामले हो उसमें गुंडागर्दी रोकने का मामला हो उसके अंदर हमारे और भी जो अब घरेलू हिंसाएं हैं मान लिया उसमें आप लोग अपनी तरफ से एक बिठा के भी समझाने की कोशिश करते हो लेकिन ये चार पांच प्रोफेशनल लोग जो बने हुए हैं सरेआम यहां यूएस अड्डा के अड्डे चल रहे हैं सरेआम यहां होटलों में वैश्यावृत्ति कराई जा रही है कितना कितने बड़े यहां वो चलाते हैं जो मैच मूच वाले क्या बोलते हो आप इनको सरेआम चल रहे हैं बुक्की बाकी यहां घर के घर बर्बाद होने लगे लेडीज के फोन मेरे पास आते हैं पैसा बचाओ हमारे तो आदमी खराब होने लगे पिछले दिनों एक डीएसपी ने अच्छी रेड करी थी उसमें पकड़े थे कुछ लोगों को तो ये एक ड्राइव चलानी पड़ेगी और इसको करवाओ आप ठीक एक तो मुझे इसकी इसका सारा वो चौथा क्यों रजिस्टर मुझे वो सुबह आगे एक बार बताओ कल सुबह आके मिलो एक बार आप 8 बजे अभी तो दोनों आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो करो सुबह मिलकर मुझे पूरी ब्रीफिंग चाहिए केसों की ठीक है अलग अलग बयान है वो कहने का नागरिक मेरा बाजार इनको कर दूंगा छोड़ कर भी कुछ काम नहीं भाई इसमें मुझे भी चिपकी छोड़ दे पड़ी कितने भी लोग काम पर हैं हेलो नमस्कार मगाज आप तो चक निरीक्षण करें कानून से मालूम क्या कर रहे हो आप लोग लोअर ऑर्डर मेंटेन कहा चलो कोई नहीं मैं एक बार चेक कर रहा हूँ उसी अब्बा मिल गया यहाँ कोई भी नहीं दिखाना मैं एक भी आदमी नहीं होता ना कोई गार्ड थी ना कोई मुंशी बैठे सीट पे कोई लेना देना कितने आदमी एक टाइम में दिखाना में होने जरूरी होते हैं
जो ऑलरेडी है उस स्टाफ से आपसे जानना चाहता हूँ कि थाने के अंदर एक रेगुलर टाइम पे कितने लोगों का होना जरूरी है, कितने लोग होने चाहिए। चिट्ठा पढ़ भाई, इसमें मैंने देख करके बता कितना स्टाफ अपने पास टोटल थाने में आपके पास जो अपने पास परमानेंट स्टाफ है उसकी ठीक है। अच्छा चलो अभी बत्तीकरण लग रहे हैं, जो एक्सप्रीमेंट है उससे पूरा कराएंगे। कितनी गाड़ी थी आपको, आप पूरी डिटेल बनाओ, एक तो नफरी आपका स्टाफ कितना काम है और आपके पास और क्या संसाधन काम है, मैं डीजी की तरफ से बात करूंगा। और एक मैं चिट्ठी थाना भी चेक करके आया हूँ, आपका थाना भी आज मैंने चेक किया है। अभी आज यहाँ कोई मुकदमा मकदमा दर्ज कराया कोई है आपके पास? तो ये जो इतना सरेआम नशा की तस्करी या चोरियां ये भैंस होती है गांव में, इसका मोटरसाइकिल उठ रहे हैं, नहीं गांव वाले की चोरी को नहीं होते मोटरसाइकिल, सर में चोरी होना है। चलो मैं एक बार एसपी से मेरी बात हुई थी, बहुत जल्दी एक पूरे जिला अपने एसपी और हमारे जितने डीएसपी हैं सभी पूरा जिला लेवल पर अपने टमाणा का एक सारी मीटिंग लेके, कितने आप लोगों ने पिछले दो महीने में क्वार्टर का हिसाब मांगे में एक साल कर लेंगे आपने क्या इम्प्रूव किया। और जो प्रोफेशनल लोग हैं जो समय बेचते हैं, समय की पकड़ना हल नहीं है, समय की तो सुखाया गया है, बेचने वाले हमने कितने केस अपने शोल्ड किए, ये चोरों में कितने केस हमने चैन स्नैकरों के मोटरसाइकिल उठाने वाले और चोरी का भी चोरी करने वाले का उन्होंने शोकअप किए। तो ये सारी की सारी डाटा डिटेल अगले हफ्ते के अंदर आपके आसपास पे मीटिंग है, क्योंकि थोड़ा लोगों टूट रुपये लोगों की शिकायतें बहुत लोग परेशानी में है, शहर में एक भय का माहौल है, कुछ गुंडे पोलिटिकल सरक्षण की बात करके किसी पोलिटिकल लोगों के साथ फोटो खिंचवा के यहाँ एक दबाव सारा है, क्योंकि पिछले 9-10 वारदातें में से सिर्फ एक रजिस्टर्ड हुई है सिटी थाना में, और वो 9-10 का जब मुझे इलम है मेरे पास तक फोन आए तो थाना तक लोग क्यों नहीं पहुंचे, इतना क्या पुलिस का विश्वास नहीं है क्या? कोई तो कारण है, एक आदमी गुंडागर्दी करता है उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन नहीं दी जाती है, तो वो बोलते हैं कि एक गुंडे के उनका कहना है दबले तीन गुंडे, तो उन्होंने बड़ा गलत शब्द यूज किया, तीन गुंडे से ज्यादा बड़े गुंडे हैं जो आधिकारिक तौर पर थाना बैठे, कितना एक बेविश्वास जनता का अपने अधिकारियों के प्रति, उसको विश्वास में लाना पड़ेगा। फोन इन ठोको कि तेल चोरी है, ट्रांसफार्मर चोरी है, तार चोरी है, किसानों के भैंसे चोरी है, उनके समझे चोरी है, आपको गांवों में चोरी नहीं है, देश में की चोरी है, आपने खुद ही बता दी ट्रांसफार्मर वाले को मेरे ध्यान दे चुके थे, ट्रांसफार्मर के अभी भी एक हमारे गया उसके एक किसान का ट्रांसफार्मर का सामान ही सारा उतार के बेच रखे नहीं, तेल के अलावा तेल तो चोरी होता ही होता है, उसके अंदर जो भी वो अल्मोनियम का जो भी डालता होता है कॉपर का वो भी चोरी होता है, उसको केबल के सारा निकाल जाते हैं, तारें उतरती हैं, केबल उतरती है, जो किसान के खेती के समझे हुए वे चोरी हो रहे हैं, वैसे चोरी हो रही है, तो इसको देखो थोड़ा अभी आप चाहे बोलते हैं खाना खाएंगे जाके बताओ उन्होंने कितने कितना है, चौदह एसपी है सर, लगभग सर, और टोटल पक्के मुलाजिम 22 है सर, और डायरेक्ट से हमारा 8 मुलाजिम सर, इसमें सर मतलब 4 तो रहते हैं कोर्ट के अंदर से रेगुलर दो घंटे के अंदर केसेस चलते हैं बिल्कुल सर, और जिस तरह मतलब ऐसे तो सर के ड्राइवर एलेक्शन करने हैं वो जिसमें ओके सर, और सर रेगुलर उसके बाद सर जैसे आइए सर अपने पास ये होगा इनमें से मतलब हर रोज की रूटीन नहीं रहती है, 2 या 3 को कोर्ट में सब जो केसेस चलते हैं वो रहते हैं, बीच में सर दूसरे मतलब कोई भी केस
आ गया, जिस तरह गश्त पे भी जाना होता है सर, और गाड़ी एक है सर, अभी ऐसा तो साथ ही जो कल मेला है सर नांगड़ा गाँव में, तो वहाँ गश्त पे गए नहीं सर फिलहाल सर। चलो जी सर, थोड़ा इसको ध्यान करो, बाकी मैं कराता हूँ। हम अपने लेवल के सर बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं सर, बट वो ये उसके रिजल्ट बेस्ट नहीं है, आपके कहने से बेस्ट नहीं मान लूंगा मैं। मेरे पास फीडबैक जनता की है, जनता जनता एक विश्वास जब प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों खो बैठे वो मुझे तो फोन करते हैं, आपके थाने तक आने की भी मत नहीं करते। कहीं ना कहीं एक विश्वास कम है जनता का, वो विश्वास पैदा करने की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत है। अभी 8 मुकदमे में से 1 मुकदमा दर्ज हुआ है, 8 शिकायतें मेरे पास है, मंडी का गुंडागर्दी का मामला मेरे पास है, गुप्ता कॉलोनी का मेरे पास है, नहरों पर मुर्गे अंडे खा के उनको वहाँ नजायज फसलें निकालने लहराने का मुकदमा मेरे पास है, और इनमें आपके जितने चलो तो सिटी का मामला आपका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ना। बिल्कुल सर, अब ये बहुत से गांवों में बहुत से नए नए बात बच्चे हैं, वो एक बार छोटा क्राइम करते हैं उसके बाद नजायज फसलों सब गांवों में है। आपका पता लिस्ट नहीं है, मैं दे दूंगा, आप लोग उठा के ड्राइव चलाएंगे स्पेशली है, तो एनवायरमेंट मेंटेन करने के लिए।